तो अभी मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीजुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतो स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लं भयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो किष्किंधा यात्रा के दूसरे दिन में और किष्किंधा धाम के पहले दिन में रामलीला के पहले सत्र में आप सबको स्वागत है। तो आज हम लोग रामायण में प्रवेश करेंगे। हम प्रयास करेंगे थोड़ा राम लीला जो श्रवण कर रहा हूँ मैं और थोड़ा बहुत जानता हूँ वो हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम सीता मैया भरत शत्रुघ्न और उनके बहुत ही प्रिय भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तो मैं मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज इस्कॉन गुरु वर्ग वृंद शिल प्रभुपाद सभी वैष्णव भक्त वृंद जो हैं और आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। और हमारे जो यात्रा हैं उसको और कृष्ण भावनामय और भक्तिमय बनाने के लिए। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए थे और कृष्ण भगवान वृंदावन में लगभग 11.5 साल रुके और फिर वृंदावन से भगवान चले गए मथुरा। मथुरा में भगवान लगभग 13.5 साल रुके थे। तो इस प्रकार 25 साल भगवान वृंदावन और मथुरा में रुके और फिर भगवान मथुरा से चले गए द्वारका और द्वारका में भगवान 100 साल थे। तो कृष्ण भगवान जब वृंदावन से चले गए मथुरा द्वारका तो ब्रजवासी भक्तगण
ब्रज गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रबल या तीव्र विरह अनुभव कर रहे थे। तो कृष्ण के विरह में वो लोग दिन रात अश्रु प्रवाहित कर रहे थे, कृष्ण की स्मरण कर रहे थे, कृष्ण के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे और कृष्ण के लीला का नकल भी कर रहे थे। कृष्ण लीला में इतने वो लोग डूबे हुए थे कि कृष्ण लीला का कोई गोपी गोवर्धन उठा रही थी, कोई पूतना बन गया और दूसरा गोपी कृष्ण बन गई, और कृष्ण पूतना का लीला होने लगा। तो कोई गोपी कालिया बन गई और दूसरा गोपी उसके सर पर उठ के नृत्य करने लगी। तो इस प्रकार गोपियाँ कृष्ण लीला में, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के चिंतन में इतने डूब गई थी, इतने मदमत्त हो गई थी कि उनको पूरे दुनिया या जो स्वाभाविक जीवन है वो उनके मन से, उनके दिमाग से बाहर चला गया। तो इस प्रकार वो लोग दिन रात कृष्ण की स्मरण, कृष्ण के चिंतन, कृष्ण की कथा चर्चा कर रहे थे। तो और इस प्रकार कृष्ण के अनुपस्थिति में कृष्ण के साथ उनका मिलन हो रहा था। कृष्ण के अनुपस्थिति में अपने हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो और तीव्र रूप से वो अनुभव कर रहे थे। तो प्रेम और घनीभूत हो जाता है, प्रेम और घनीभूत हो जाता है जब वो विरह में पहुंच जाता है। तो प्रेम के दो स्तर हैं, एक है मिलन और एक होता है विप्रलम, विरह। तो विरह में प्रेम और शुद्ध और पूर्णता प्राप्त होता है, तीव्र होता है। तो इसलिए सभी जो प्रेम है, प्रेम के जो चरम स्तर है वो है विप्रलम्ब भाव या विरह भाव। तो गोपियाँ कृष्ण के विरह में उस प्रकार प्रेम प्रकट किए थे जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। गोपियों के प्रेम जो विरह है, ब्रजवासियों की प्रेम और विरह है जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। तो जब भगवान श्री रामचंद्र रामचंद्र को वनवास हो जाता है तो राम लक्ष्मण सीता जी अपने सुंदर अयोध्या नगरी और अयोध्या नगरी के सारे सुंदर सुविधाएँ, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ देते हैं और एक वनवासी के जैसे खाली पैर में वो वन में भ्रमण करने लगते हैं। तो रामचंद्र पहले अयोध्या से प्रयाग में आए, फिर प्रयाग से गए चित्रकूट और फिर चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र लगभग कितना साल, 10 साल, सबसे ज़्यादा समय भगवान चित्रकूट में थे। हम लोग 2 साल पहले चित्रकूट गए थे, याद है, बहुत सुंदर है चित्रकूट। तो उधर भी गोदावरी है, गुप्त गोदावरी, बहुत सुंदर नदी है। और फिर चित्रकूट से भगवान फिर बिहार, पश्चिम बंगाल,
ओडिशा होकर, महाराष्ट्र होकर फिर आंध्र प्रदेश में आते हैं, इस किष्किंधा क्षेत्र में आते हैं। तो जब महाराष्ट्र में भगवान श्री रामचंद्र रहते हैं, तब सीता महारानी का रावण अपहरण करता है। और सीता महारानी के खोज करते हुए रामचंद्र इस किष्किंधा क्षेत्र में आते हैं। और इस किष्किंधा क्षेत्र में जब भगवान श्री रामचंद्र आते हैं, तब ये बरसात के समय वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है, मानसून सीजन चातुर्मास शुरू हो जाता है। और भगवान श्री रामचंद्र दिन रात्रि वो सीता मैया का चिंतन करने लगते हैं, सीता महारानी को पुकारने लगते हैं, और हरे कृष्णा। और विचार करने लगते किस प्रकार सीता मैया को उद्धार किया जा सकता है, सीता मैया को प्राप्त किया जा सकता है, सीता महारानी कहाँ पर हैं, कौन सीता का अपहरण किया, सीता महारानी से कैसे दोबारा मिले। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र सीता मैया का विरह अनुभव कर रहे थे। और दूसरी ओर सीता मैया जो रावण ने अपहरण किया था, और श्रीलंका में अशोक वाटिका में श्री रामचंद्र की विरह अनुभव कर रहे थे। तो किष्किंधा में एक स्थान है जहाँ का नाम है माल्यवंत। तो उस माल्यवंत पर्वत के गुफा में भगवान श्री रामचंद्र 4 महीना रुके थे, राम और लक्ष्मण। और वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र दिन रात सीता मैया का विरह, सीता मैया का स्मरण कर रहे थे, किस प्रकार सीता मैया को वापस लाया जा सके, सीता मैया के साथ उनका दोबारा मिलन हो। तो वहाँ पर एक चित्र है जहाँ पर रामचंद्र एक योगासन में बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में माला है, और एक हाथ में माला, दूसरे हाथ अपने छाती पर, हृदय पर है, और दिन रात वो सीता 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 नाम जप कर रहे हैं। तो भगवान हैं शक्तिमान, और रामचंद्र है शक्तिमान, और सीता उनकी शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं रह सकते। तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो 5 प्रकार के रस या 5 प्रकार से उसका आदान प्रदान होता है। तो शांत्य रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। तो मधुर रस में गोपियाँ कृष्ण की सेवा करती है, सीता राम की सेवा करती है, राम के अंतरंग शक्ति है सीता। तो जिस प्रकार राम कृष्ण सीता के विरह अनुभव कर रहे थे, उसी प्रकार सीता मैया राम की विरह अनुभव कर रही थी। इस प्रकार राम और सीता के बीच विरह ये प्रकट हुआ था इस
किष्किंधा क्षेत्र में। इसलिए किष्किंधा क्षेत्र जो है ये रामलीला के विप्रलंब धाम, जो विप्रलंब भाव वृंदावन में प्रकट हुआ था, जो विप्रलंब भाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है, वो विप्रलंब भाव जो प्रेम के चरम पराकाष्ठा है, प्रेम के सर्वोत्तम भाव है विरह, वो रामचंद्र यहाँ पर प्रकट किया है। बाहरी रूप से लग रहा है कि ये एक साधारण प्रेमिक प्रेमिका के विरह में जिस प्रकार पागल के जैसे हो जाते हैं, हाँ बाहरी रूप से जिस प्रकार एक प्रेमिक प्रेमिका के विरह में जिस प्रकार दशा होता है, हाँ रामचंद्र को रामचंद्र उस प्रकार विरह प्रकट कर रहे थे। इस दुनिया में प्रेमिक और प्रेमिका के भीतर जो विरह होता है उसको वो किसके स्तर पर होता है, शरीर के स्तर पर होता है, उसको कहते हैं काम। आत्मेंद्रिय प्रतिबंचा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा धरे प्रेमो नाम। तो इधर भगवान और उनके शक्ति के भीतर इस प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसलिए ये जो प्रेम है ये भक्ति के चरम स्थिति है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये कोई काम नहीं है, काम अंधो तमो, रजो और तमोगुण में काम उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान तो रजो और तमोगुण के परे हैं, है ना। रजो तमोगुण किनके द्वारा परिचालित होता है, तदा रजस्तम भावा काम लोभ द्वयस्य दैविहेषा गुणमयी मम माया दुरत्तय। रिसीव करो। तो तीन गुण किनके द्वारा नियंत्रित होता है, तीन गुण माया देवी, हाँ कोई बात नहीं करेंगे। हाँ तो टीए राय प्रभु आपके सामने कौन है, ओके। तो सबसे रिक्वेस्ट है, हाँ मोबाइल को साइलेंस में रखिएगा, हमारे पास समय कम है तो हमें सब जितना ज़्यादा है बोलना है और श्रवण करना है कि हम लोग काल जहाँ पर जाएंगे उस स्थान का दर्शन सही भाव से भक्ति से कर पाए। तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ तो दैवी है सब गुणमयी, तो माया तीन गुण के द्वारा इस भौतिक जगत परिचालित करता है, और इस तीन गुण में एक है रजोगुण, रजोगुण में काम क्रोध होता है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। तो अभी भगवान कौन है, भगवान मायाधीश है, इसलिए माया का कोई प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए भगवान के साथ जो रामचंद्र जो सीता मैया के प्रति जो विरह प्रकट कर रहे थे वो रजोगुण के द्वारा नहीं है, समझ में आ रहा है। वो इस भौतिक जगत में कोई स्त्री पुरुष के साथ जो विरह है, हाँ या प्रेमिक प्रेमिका के भीतर जो विरह है वो नहीं है। तो रामचंद्र के जो विरह है माया सीता के प्रति वो शुद्ध प्रेम, और केवल प्रेम ही नहीं है, प्रेम के चरम स्थिति है, समझ में आ रहा है। तो सभी जीव के साथ भगवान का संबंध है, सभी जीवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम का संबंध है, और इस संबंध को क्या कहते हैं, प्रेम, समझ में आ रहा है। ये जो संबंध किसका संबंध है, प्रेम का संबंध है,
और सीता मैया उस प्रेम की प्रतिनिधित्व करती है। सीता मैया उस प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान के साथ अपना नित्य शाश्वत संबंध भूल जाता है काम या अंधक अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण। और रावण इस अहंकार या काम का प्रतिनिधित्व करते हैं। काम के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण हम लोग भगवान से दुश्मनी बना लेते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार रावण हमारी शत्रु है, रावण रूपी काम हमारा शत्रु है, जो भगवान से हमारा मिलन होने नहीं देता है। समझ में आ रहा है? गीता में भगवान कहते हैं, गीता में भगवान मेरे ख्याल से तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेया दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन, जो काम ज्ञान या बुद्धि को आवृतम ढक देता है। ज्ञानिना नित्य वैरिना, क्या सत्य है क्या झूठा है, मेरा कर्तव्य क्या है, समझ में नहीं लेता है। इसलिए ज्ञानिना नित्य वैरिना, ज्ञानियों का नित्य वैरी, वैरी मतलब शत्रु। काम रूपेण कौन्तेया, काम शत्रु है। दुष्पुरेण, कभी भी ये संतुष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार अग्नि, अग्नि में जितना आप घी डालेंगे उतना ही अग्नि बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार काम को जितना संतुष्ट करेंगे काम उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान गीता में दो बार बोलते हैं शत्रु है, और कहां पर बोलता है शत्रु? गीता आप लोग पढ़ते हैं तो हमें देखना चाहिए कहां पर भगवान ने कुछ कुछ चीज रिपीट किया है। रिपीट किया मतलब भगवान बोल रहे सीरियसली लीजिए इसको, है ना? यस, कामयेषु क्रोधेषु समुद्भवो देन महासोनो महापाप्मा, उसके बाद वृद्धिर एनाम इह बोइरिनाम, बोइरी मतलब शत्रु। महासुनो महापापमा, महापाप का कारण है काम। तो इससे सावधान रहना चाहिए। तो रावण इस काम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे शत्रु है, हमारे शत्रु हैं। भगवान से जीव को मिलन करने में नहीं देता है। भगवान के साथ जीव का प्रेम का संबंध है, शुद्ध प्रेम का संबंध है, जिस प्रकार सीता मैया का राम जी से। अभी हनुमान जी वो व्यक्ति है जो सीता के साथ राम जी का मिलन कराते हैं। हनुमान जी वो व्यक्ति है जो सीता मैया के साथ रामचंद्र का मिलन कराते हैं। हनुमान जी वो व्यक्ति हैं जो रामचंद्र के आदेश के अनुसार वो अपने जीवन का रिस्क लेकर, अपने जीवन का झुकी लेकर समुद्र में छलांग लगाते हैं, और समुद्र पार करके श्रीलंका जाकर सीता महारानी का खोज लेकर राम जी का मैसेज, क्या कहते हैं हिंदी में मैसेज को, संदेश को सीता मैया को देते हैं, और सीता मैया का संदेश राम जी को देते हैं। समझ में आ रहा है? तो सोचिए
हनुमान जी राम जी का कितना प्रिय पात्र है। हनुमान जी राम जी के कितना हृदय में होंगे, जो सीता महारानी को, हाँ, सीता महारानी का खबर वापस देते हैं। ये सारे लीला इस किष्किंधा में हुआ है। हनुमान जी वो व्यक्ति हैं जो राम जी के आदेश के अनुसार, हाँ, इस जो राक्षस, हाँ, राक्षस जो सेना है, रावण और उसके जो राक्षस सेना है, जो शक्तिशाली राक्षस लोगों के साथ युद्ध किया है, और भगवान श्री रामचंद्र को, हाँ, रावण पर विजय प्राप्त करने में मदद किया है, एक मुख्य कारीगर है। हनुमान जी वो व्यक्ति हैं जो युद्ध के समय, जब 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 लक्ष्मण जी अज्ञान हो जाते हैं, लक्ष्मण जी लगभग लग रहे कि अप्रकट हो जाएंगे, तब हनुमान जी जाते हैं हिमालय पर, और वहां पर, वहां से वो, हाँ, पर्वत उठा के लाते हैं। कौन सा पर्वत? गंधमादन पर्वत उठाकर लाते हैं, संजीवनी बूटी, हाँ, से लक्ष्मण के प्राण रक्षा करने के लिए। हनुमान जी वो व्यक्ति हैं जो रावण का वध होने के बाद, हाँ, सीता मैया को वापस लेके आते हैं, हाँ, और राम जी के साथ मुलाकात होता है। राम जी के साथ सीता महारानी का मिलन होता है। तो इस प्रकार हनुमान जी रामलीला के एक मुख्य व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान श्री राम और सीता के लिए, हाँ, अनंत 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 सेवाएं किए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा किए हैं। हालांकि रामलीला के सभी व्यक्तिगण, लक्ष्मण हो या भरत हो या शत्रुघ्न हो, सभी लोग सेवा के मूर्ति है, हाँ? सभी लोग सेवा के मूर्ति हैं, और उसमें हनुमान जी एक विशेष व्यक्तित्व है जिनके जीवन राम जी के सेवा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है। तो इसलिए हम लोग, हाँ, इसलिए राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का कृपा चाहिए। हनुमान जी सिखाते हैं कैसे राम की सेवा करना चाहिए। हनुमान जी सिखाते हैं कैसे सीता राम की सेवा करना चाहिए, कैसे हमारा असली स्वरूप है सेवक का, दास का। तो नवविदा भक्ति है, नवविदा भक्ति का 9 प्रकार की विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस नवविधा भक्ति का एक अंग है दास्यम। हाँ? तो दास्यम में कौन भगवान को प्राप्त किया है? हनुमान जी की। तो अलग अलग अंग हैं जिसके द्वारा भगवान को कोई प्राप्त किया जा सकता है। तो हनुमान जी दास्य रस के भक्त हैं, और हमारा असली स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हनुमान जी सिखाते हैं किस प्रकार हमें भगवान का दासत्व करना चाहिए। तो हाँ, हम लोग उधर गरिया में, हम लोग एक यूथ सेंटर है, हाँ, एक वॉयस है, तो भॉयस के बाजू में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है,
उस कॉम्प्लेक्स का जो मतलब कॉम्प्लेक्स का जो चेयरमैन है, चेयरमैन, तो हम लोग कीर्तन करते तो उधर हाउ हाउ करते, इधर इधर कीर्तन नहीं होगा, हाँ चले जाओ इधर से, ये सब कीर्तन करने की जगह नहीं है, हाउ 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 ऐसा करते हैं। लेकिन हम लोग तो हनुमान जी के अनुजाई है, तो हम लोग तो कीर्तन का भी नहीं छोड़ेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो वो और भी कुछ लोगों को लेके आते हैं हाउ 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 करने के लिए, ठीक है। तो एक दिन हम देखते हैं कि वो जो चेयरमैन है, चेयरमैन आया है और उसके साथ कुत्ता लेके आया है, ठीक है, कुत्ता लेके घूम रहा है, बोले ये सब नहीं कीर्तन टीर्तन होबे ना, हाँ ये सब हमारा एखाने थाकि एखाने हमारे डिस्टर्ब होच्छे, असुविधा होच्छे, कीर्तन सुनले मानुषेर मन शांत है और इन कि डिस्टर्ब होच्छे। पाश्चात्य देशे প্রতি এক কিলোমিটার পর পর একটা মেডিটেশন সেন্টার যেখানে সবাই এই মহামন্ত্র মেডিটেশন করে, আর ইনি বলছেন যে কীর্তন শুনলে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। তো তো এক তরফ বল রহে কে কি ইধর কীর্তন নেই হোগা, ভগবান কে নাম কীর্তন নেই হোগা, আর দূসরে তরফ ক্যা কর রহে কুত্তা লেকে ঘুম রহে। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप कृष्ण का दास नहीं बनेंगे तो कुत्ते का दास बनना ही पड़ेगा। हाउ 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 हाउ, समझ में आ रहा है? अगर कृष्ण का दास, राम का दास नहीं बनेंगे तो कुत्ते का दास बना देगा माया देवी। अरे माया देवी, अच्छा हाँ तुम भगवान का दास नहीं बनेगा, मेरा सीसीटीवी कैमरा चालू है, अभी तुमको दिखाता हूँ मजा, कुत्ते का सेवा में लगा देगा, समझ में आ रहा है? कुत्ता टाट्टी करता है और सेवक बहुत भक्ति से टाट्टी उठा लेता है, सेवा मिला है हमें, हाँ विनम्र सेवा। तो इस प्रकार हनुमान जी सिखाते हैं कैसे हमें कुत्ते का दास नहीं भगवान का दास बनना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ भगवान का दास बनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अगर कोई पुमान भवत निर्मलम, क्या श्लोक है उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिनका नाम लेने से ही, जिनका नाम लेने से ही सबसे गिरे हुए व्यक्ति भी निर्मलम पवित्र हो जाते हैं। जन्नाम अशुति मात्रेन पुमान भवति निर्मलम तस्सा तर्श तीर्थ पदम जस्याम दासानाम अवशिष्यते। जिनका नाम लेने से कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है तो उनका दास अगर बन जाएगा कोई, तो फिर क्या प्राप्त करना बचा रहेगा, समझ में आ रहा है? तो जन्नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवति निर्मलम तस्सा तीर्थ पदम किंबा तस्सत किम तीर्थ पदम किंबा। जिनके चरण कमल में सभी तीर्थ निवास करते हैं, अभी हम लोग तीर्थ भ्रमण करने के लिए आए हैं, जिनके चरण कमल में सभी तीर्थ निवास करते हैं उनका दास अगर कोई बन जाएगा, इस दुनिया में कोई दास नहीं बनना चाहते, सब लोग बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन असल में हम लोग दास हैं। किनके दास? भगवान के दास। किनके दास? भगवान के भक्तों के दास, जैसे हनुमान जी,
जैसे लक्ष्मण, जैसे गोपियां, जैसे प्रभुपाद, जैसे प्रहलाद, ऐसे भक्तों का दास बनना चाहिए। और अगर आप दास नहीं बनेंगे तो माया आपको दास बना के ही छोड़ेगी। तुम कृष्ण का दास नहीं बनना है, देखो तुमको कैसे एक आइडियल दास बना देंगे, कुत्ते का दास। समझ रहे हैं? हाँ, तो इस प्रकार भगवान के दास अगर कोई बन जाता है, भगवान के दास के रूप में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को स्वीकार करते हैं तो उसके जीवन सार्थक हो जाता है। उनको और कोई भी चीज प्राप्त करना दासानाम अवशिष्यते। तो इसलिए जीवन के कोई भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, पढ़ाई करना हो या घर परिवार संभालना हो या पैसा कमाना हो या बच्चे को देखभाल करना हो या तीर्थ में भ्रमण करना हो, एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? कृष्ण की दासत्व करना, कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि वही हमारा असली परिचय है। समझ में आया? पति के हिसाब से हो या पत्नी के हिसाब से हो, कंपनी के एम्प्लॉय के हिसाब से हो या पुत्र के हिसाब से हो, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, बिजनेसमैन हो, इंजीनियर हो, ये सब हमारे उपाधियां हैं, ये सब हमारा उपाधि है, डेजिग्नेशन। लेकिन हमारा असली परिचय है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवात्मा कृष्ण का नित्य दास है। और हनुमान जी सिखाते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए, कैसे राधा कृष्ण की, सीता राम की, लक्ष्मी नारायण की, कृष्ण बलराम का, गौर निताई की सेवा करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का आश्रय हम लोगों को जरूरत है। और इसलिए हम लोग हमारे यात्रा शुरू कर रहे हैं हनुमान जी के चरण कमलों से, हनुमान जी के आश्रय लेकर। तो कल हम लोग अंजनेय पर्वत में जाएंगे, जो हनुमान जी का बर्थ प्लेस है। तो अभी हम लोग श्रवण करेंगे हनुमान जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, सुनना चाहेंगे? तो हनुमान जी के आविर्भाव के बारे में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर। तो मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था और महाराज बहुत सुंदर तरीके से महाराज हनुमान जी के आविर्भाव के बारे में वर्णन करते हैं। तो आनंद रामायण में हनुमान जी के आविर्भाव के बारे में वर्णन किया गया है। सब लोग सुन रहे हैं? तो जब पूरे पृथ्वी त्रेता युग में असुरों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा भर गया था, और यज्ञ करना, मंत्र उच्चारण करना, मुनि ऋषि लोग ध्यान करते, ध्यान करना बंद हो रहा था। ये जो वैदिक संस्कृति लुप्त होने जा रहा था, तब भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास निवेदन किया कि आप इस पृथ्वी को रक्षा करिए। तब भूमि देवी के रिक्वेस्ट से, निवेदन से ब्रह्मा जी गए टाइम पास। तो
ब्रह्मा जी गए किनके पास? हाँ, भगवान विष्णु के पास, और उनको निवेदन किया कि आप कृपा करके इस पृथ्वी को रक्षा करिए, वैदिक संस्कृति सनातन धर्म का रक्षा करिए, धर्म की रक्षा करिए, असुरों का विनाश करिए। तब भगवान विष्णु उनके निवेदन से, निवेदन को स्वीकार करके कहा कि ठीक है, बहुत जल्दी मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाला हूँ दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में, और मैं इस राक्षसों के जो जो श्रेष्ठ हैं रावण, उनका मैं वध करूंगा, और आप सभी देवता लोग, आप सभी देवता लोग बानर कुल में जन्म लीजिए। तो आप सभी देवता लोग बानर कुल में जन्म लीजिए और इस रावण को वध करने में और सभी राक्षसों को वध करने में हमें सहायता करिए। तो इस प्रकार सभी भगवान के निर्देश के अनुसार सभी देवता लोग बानर कुल में, बहुत शक्तिशाली बानर कुल में प्रकट होने लगे। तो और दूसरे ओर दशरथ महाराज का बहुत साल से कोई संतान नहीं था, तो वैशिष्ठ मुनि ने उनको आदेश किया था पुत्रष्टि यज्ञ करने के लिए, और उस पुत्रष्टि यज्ञ के लिए एक विशेष नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण जरूरत है। तो बहुत पता लगाकर उन्होंने एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण, क्या नाम है उनका? सिंगी नहीं, ऋष्य सिंह। तो उनको लेके आते हैं। तो जब ऋष्य सिंह मुनि आते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में बरसात शुरू हो जाते हैं। बहुत साल से अयोध्या में बरसात नहीं हुआ, और फिर ऋष्य सिंह मुनि मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल सेकेंड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम होगा तो प्रसादम स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो ऋषि सिंह मुनि जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं, और वो बहुत विशेष एक दिव्य अमृत का एक पात्र लेके आते हैं, और दशरथ महाराज को कहते हैं कि आप अपने तीन पत्नियों को उस अमृत को या स्वीट राइस पायसम उसको खिलाइए, और उससे आपको पुत्र प्राप्त होगा। तो दशरथ महाराज की तीन पत्नियां थी, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। तो जब सुमित्रा को दशरथ महाराज पायसम का पात्र दिए उसको खाने के लिए, तब एक विशाल पक्षी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उस पायसम के पात्र से थोड़ा पायसम लेकर उड़ जाती है।
तो और ये जो पक्षी था, ये पक्षी था वायु। तो वायु जाकर, हाँ, उस अमृत को जाकर अंजनी, जो केसरी नाम के एक शक्तिशाली बानर था, उनका पत्नी अंजनी, अंजनी को देती है, देते हैं। और उस अमृत, अमृत को, अमृत जिसका जिसको जिसका जिसको ग्रहण करके दशरथ महाराज को या कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा को, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को प्राप्त होता है, उसी अमृत, अमृत को प्राप्त करके अंजनी गर्भवती होती है, और फिर आगे, आगे हनुमान जी का आविर्भाव होता है। तो इस प्रकार आनंद रामायण में हनुमान जी के आविर्भाव के बारे में बताया गया है। तो शिव पुराण में हनुमान जी के आविर्भाव के बारे में वर्णन किया गया है। तो एक बार देवता और असुरों के साथ समुद्र मंथन लीला हो रहा था, और इस समुद्र मंथन में क्या निकला? अमृत निकला। पहले विष निकला, उसके बाद अमृत निकला। तो जब अमृत निकला, तब इस अमृत का बंटवारा करने के लिए, अमृत के बंटवारा करने के लिए भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। और जब भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, सभी असुर लोग भगवान के प्रति, भगवान के रूपों के प्रति आकर्षित हो गए। मोहिनी मूर्ति का बोलने का ढंग, मोहिनी मूर्ति का दृष्टिपात इतना आकर्षणीय था, सभी असुर लोग मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लगे। और मोहिनी मूर्ति इस प्रकार बात कर रहे थे कि लग रहा था कि मोहिनी मूर्ति उनको ही अमृत देने वाली है। तो सब असुर लोग, सोचने लगे कि मोहिनी मूर्ति मेरे से ही शादी करेगी, मोहिनी मूर्ति मेरे से ही शादी करेगी। मोहिनी मूर्ति कहने लगे कि अरे, मैं, आई एम ए स्ट्रीट वूमेन, हाउ कैन यू पुट फेथ ऑन मी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप कैसे मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। असुर लोग बोले, अरे क्या बोल रही हो आप, आपसे विश्वास, आप पर भरोसा नहीं करूंगा तो किन पर भरोसा करूंगा, आप कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हो। तो असल में ये जो अमृत का कलश देवताओं से असुर लोग पहले छीन लिया था, और मोहिनी मूर्ति, मोहिनी मूर्ति ने कही के, ठीक है मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, क्या आप अपना अमृत का कलश मेरे को देने के लिए तैयार हो। असुर लोगों ने कहा, अरे अमृत का कलश क्या, पूरे दुनिया आपको दे दूंगी। इस प्रकार मोहिनी मूर्ति ने कहा, ठीक है, तो फिर आप कलश दे दो, और मैं वचन देती हूँ कि मैं एकदम सही तरीके से अमृत का बंटवारा करूँगी। तो इस प्रकार मोहिनी मूर्ति असुरों से अमृत का कलश ले लेती है।
लेकिन देवताओं को मोहिनी मूर्ति को दर्शन देखकर कोई काम वासना उत्पन्न नहीं हुआ। असुरों के हृदय में बहुत काम उत्पन्न हो गया मोहिनी को दर्शन करके, लेकिन देवताओं को काम वासना उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देवता लोग भगवान के भक्त थे, भगवान की सेवा करना चाहते थे। इसलिए देवता लोग समझ गए ये कोई मोहिनी मूर्ति नहीं है, ये स्वयं विष्णु भगवान है। लेकिन असुर लोग रजो तमो काम वासना के द्वारा डूबे होने के कारण वो लोग मोहिनी मूर्ति को एक साधारण स्त्री के रूप में भोग करना चाहती थी, चाहते थे। तो इस प्रकार भगवान श्री विष्णु मोहिनी मूर्ति के रूप में प्रकट होकर सभी देवताओं को मोहित करते हैं और सभी असुरों को मोहित करते हैं और देवताओं को अमृत पिला देते हैं। तो इससे शिक्षा है, अगर आप भगवान के भक्त बने रहेंगे तो आपके प्लेट में अमृत आएगा। और अगर आप सोचते नहीं भक्ति नहीं करूंगा, थोड़ा बाय हुक एंड बाय क्रूक, हाँ चोरी करके इस दुनिया में भोग करूंगा, तब देव असुरों के जैसे माया के द्वारा ठगे जाओगे। समझ में आ रहा है? अगर आप सोचेंगे तो चार नियम क्यों पालन करूंगा, लेट्स एंजॉय द लाइफ, ईट ड्रिंक्स एंड बी मैरी, भोग करो, ऋण करो और घी पियो, तो फिर माया देवी तैयार है ठगने के लिए। तो इसलिए मनुष्य जीवन भगवान की सेवा के लिए, असुरों के जैसा भोग करने के लिए नहीं। हालांकि असली भोग तो, असली आनंद तो कृष्ण भक्ति में है, असली आनंद कृष्ण भक्ति में है। आप लोगों को कैसा लग रहा है यात्रा? तो कृष्ण भक्ति का जो आनंद है, दिव्य है, पवित्र है, शुद्ध है। दूसरे ओर भौतिक जो आनंद है, असुरों का जो आनंद है, शुरू में थोड़ा आनंद लगता है अमृत के जैसा, लेकिन अंतिम में विषवत। जैसा ही समय बीतेगा विष के जैसा बदलने लगेगा। पूरे दुनिया में आप जिस प्रकार स्थिति है उससे समझ सकते हैं किस प्रकार दुनिया में लोग दुख भोग रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में देवताओं को छल करते हैं, असुरों को छल करते हैं। और ये लीला शिव जी को सुनाई देता है। शिव जी जब ही सुनते हैं तब मोहिनी मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, अरे तुम मोहिनी मूर्ति का दर्शन मत करो, हाँ तुम मोहित हो जाओगे, अच्छा नहीं है। लेकिन शिव जी मानते ही नहीं, नहीं हमें दर्शन करना है आपका ये विशेष रूप। मैंने बहुत सारे अवतार के बारे में सुना है, 10 अवतार के बारे में सुना है, भागवतम में पढ़ा है, लेकिन इस रूप के बारे में तो नहीं सुना है। मैं इस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। मन बोलते नहीं, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन शिव जी फिर भी दर्शन करना चाहते हैं। तब भगवान ने कहा ठीक है, अगर दर्शन मैं दे सकता हूं लेकिन बाद में तुमको संभालना पड़ेगा। शिव जी बोला ठीक है। तो जब मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान फिर से प्रकट होते हैं शिव जी के सामने, तो शिव जी पूरा मोहित हो जाते हैं। तो भगवान मोहिनी मूर्ति के रूप में शिव जी को मोहित कर देते हैं। अभी शिव जी को मोहित होना और असुरों को मोहित होना एक जैसा नहीं है। तो शिव जी जब मोहित हो गए तो मोहिनी मूर्ति के पीछे भागने लगे
और मोहिनी मूर्ति अपने रूपों के द्वारा, अपने दृष्टि के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा शिव जी को आकर्षित कर रहे थे। और फिर शिव जी भागने लगे, मोहिनी मूर्ति के पीछे पीछे भागने लगे। और मोहिनी मूर्ति क्या करती हैं, शिव जी को आश्रम के सामने से लेके जाते हैं, साधुओं को आश्रम के सामने जहाँ पर साधु लोग तपस्या कर रहे थे। और शिव जी उनके सामने से जाते हैं, फिर भी शिव जी को क्या कहते हैं, उनका चेतना वापस नहीं आता है। और शिव जी के साथ उनके पत्नी थी, उनके पत्नी के सामने शिव जी दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए। तो और ये लीला शिव जी साधुओं को दिखाना चाह रहे थे, देखो माया कितना शक्तिशाली है। इसलिए मोहिनी मूर्ति पर्पसफुली साधुओं के आश्रम से साधुओं को सावधान करने के लिए लेके जाते कि शिव जी के जैसा महान व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान की आश्रय में रहना चाहिए। तो जब शिव जी भागते हुए मोहिनी मूर्ति को स्पर्श करती है, तब शिव जी का वीर्य स्खलन होता है। और ये जो वीर्य है शिव जी का, ये शिव जी का शक्ति है। शिव जी का जो वीर्य है ये शिव जी का शक्ति है, शिव जी से अभिन्न है। तो ये शक्ति जो है, सीड बीज जो है, शिव जी शिव जी किनको देते हैं, सप्तऋषि को देते हैं, सप्तऋषि को देते हैं और कहते हैं कि आप इसको वायु को दे दो। तो सप्तऋषि वायु को देते हैं, वायु क्या करते हैं, उस बीज में, उस वीर्य में अपना शक्ति भी प्रदान करते हैं। अपना शक्ति उस बीज में प्रदान करते हैं और प्रदान करने के बाद वो क्या करते हैं, केसरी, केसरी जो जो क्या कहते हैं, बानरों में एक बहुत ही श्रेष्ठ बानर था, उनको प्रदान करते हैं। और फिर केसरी क्या करते हैं, अंजनी के कान में प्रवेश कराते हैं। शास्त्र में वैसा वर्णन किया गया है, अंजनी के कान से प्रवेश कराते हैं। और जब प्रवेश कराते हैं तब अंजनी गर्भवती होती है। और फिर हनुमान जी का आविर्भाव होता है। तो इस प्रकार जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं ये शिव जी, वायुदेव और केसरी, इन तीनों का तीन का अंश है, तीन का पुत्र है। समझ में आ रहा है? तो जब रावण बहुत तहलका मचा के रखा था तो तब ये डिसाइड हुआ कि रावण का वध किया जाएगा। भगवान विष्णु ने निर्णय किया कि रावण का वध किया करना चाहिए। तो तब भगवान विष्णु रावण का वध करना चाह रहे थे, लेकिन शिव जी ने कहा कि आप इनका वध मत करो, अभी इनका वध मत करो। क्यों? क्योंकि मेरा बहुत बड़ा भक्त है, ये अपना अपना क्या कहते हैं, अपना सर काट कर, अपना सर काट सर से मेरा आहुति दिया है। और एक सर जो है बचा हुआ था, अपना सारा सर दे दिया, रावण का 10 सर था, 9 सर वो
आहुति दे दिया। एक सर बचा हुआ था तो मैंने उनको आहुति देने के लिए रोक दिया। तो रावण मेरा बहुत बड़ा भक्त है, आप इनको मत मारो अभी, मैं एकादश रुद्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। हाँ, और हाँ, रावण को वध करने में आपको सहायता करूंगा। हाँ, और ये जो एकादश रुद्र हैं ये हैं हनुमान जी। हाँ, तो इस प्रकार जो शिव जी हैं ये हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं। हाँ, शिव जी का क्या कहते हैं, शिव जी का प्रकाश है, अंश प्रकाश है, शिव जी का शक्ति का प्रकाश है हनुमान जी। तो जिस प्रकार शिव जी राम जी के परम भक्त हैं, हमेशा राम नाम का जप करते रहते हैं, राम जी के भक्ति में निछावर रहते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी के रूप में हम लोग देखते हैं किस प्रकार हनुमान जी राम जी के सेवा में निमग्न रहते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी का आविर्भाव हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ। और कुछ समय बोल देता हूँ, 5-7 मिनट, जब तक भोग लग जाता, भोग उसके बाद डांस परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद सबके लिए प्रसाद रहेगा। तो देवलोक में सभी देवता लोग निवास कर रहे थे, और देवताओं के जो गुरु हैं उनका नाम है बृहस्पति। तो बृहस्पति के बहुत सारे शिष्य थे जो बृहस्पति के आश्रम में रहते थे, और उस आश्रम में एक देवी थी जिनका नाम है कुंजकस्त्र। तो वो उस आश्रम में सभी देवताओं को सेवा करती थी, और विशेष करके बृहस्पति के पूजा के लिए सभी सामग्रियाँ, फूल और दूसरे अलग अलग प्रकार के पूजा के सामग्रियाँ वो तैयार करती थी। तो इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति की सेवा में, पूजा में वो सहायता करती थी। तो एक बार ये जो पुंजकस्त्र इन्होंने कुछ अपराध कर दिया, और उसके कारण उनको अभिशाप प्राप्त हुआ, और उस अभिशाप के कारण ये पुंजकास्त्र इस पृथ्वी लोक पर अंजनी नाम के एक क्या कहते हैं, बानरी के रूप में उनका जन्म हुआ। तो कुंजन नाम के एक बानर के पुत्री के रूप में अंजना नाम के बानरी के रूप में जन्म हुआ। तो जब उनको इस प्रकार अभिशाप प्राप्त हुआ कि इसको पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, तो वो बहुत दुखी हो गई। तब बृहस्पति ने कहा, आप दुखी मत होइए,
आपका इस प्रकार शाप प्राप्त करने के पीछे एक 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 परम उद्देश्य है कि आपको आपको भगवान के एक शुद्ध भक्त को पुत्र के रूप में प्राप्त होगा और वो जो भक्त हैं आपका नाम रोशन करेगा। तो फिर ये जो अंजनी अंजनी नाम के जो बानरी थी ये हमेशा भगवान के नाम गुणगान में मग्न रहती थी। तो एक बार संब साधना नाम के एक असुर था। ये असुर सभी मुनि ऋषियों को अत्याचार करता था। ये असुर ये अंजनी जो है अंजनी नाम के बानरी इनको आक्रमण किया, उसको भोग करना चाहता था। तब अंजनी सभी चीज़ों को छोड़कर वो मुनि ऋषियों के आश्रम में चले गए कि हमें रक्षा करिए। लेकिन मुनि ऋषि लोग ऑलरेडी पहले से ही इस असुर के द्वारा पीड़ित था, तो उन्होंने कहा कि इनसे हम लोग आपको रक्षा कैसे करेंगे, हम लोग अपने आप को ही रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो तब उन्होंने कहा कि एक बहुत शक्तिशाली बानर है जिनका नाम है केसरी, यही केवल इसको मार सकता है। तो आप इनसे सहायता मांगो। तो तब ये जो अंजनी है बानरी अंजनी वो भगवान शिव जी से प्रार्थना किया, भगवान शिव जी का स्मरण किया, और जब ही स्मरण किया तुरंत वहाँ पर केसरी प्रकट हो गया। और केसरी प्रकट होकर इस संब साधन असुर के साथ बहुत भयानक युद्ध करने लगा। लेकिन युद्ध इस प्रकार होने लगा कि लग रहा है कि कोई किसी को परास्त नहीं कर पाएगा। बहुत समय से युद्ध होने लगा। केसरी बहुत शक्तिशाली बानर था। ऐसे ये जो हम लोग आसपास में बानर दिखते हैं वो बानर नहीं है, सेलेस्टियल मंकी, क्या कहते हैं हिंदी में, दैविक अच्छा शब्द नहीं, स्वर्गीय बानर है, समझ में आ रहा है, बानर क्या, बानर मतलब नर के जैसा ही है, समझ में आ रहा है। तब ये जो संब साधन है, संब साधन एक हाथी का रूप लिया और हाथी का रूप लेकर उस पूरे आश्रम को तहस नहस करने लगा। और संब साधन हाथी को कैसे मारेंगे, केसरी कैसे मारेंगे, तो केसरी ने क्या कि एक छोटा होकर इस संब साधन के हाथी के सर पर बैठ गया और बैठ के उसको इतना मन लगा कि हाथी एकदम अपना जो हाथी रूप से फिर से असुर के रूप में आ गया। तो फिर उसके साथ भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध हो रहा था लेकिन इसको मार नहीं पा रहे हैं। तब किसी ने कहा इसको मारना है तो इसके खून से ही इसको मार सकते हैं। तो तब क्या किया ये अंजनी, इसका खून से एक तीर को इसके खून लगाकर केसरी को दिया। और जब ही उस तीर को केसरी ने चलाया, संब साधन मर गया।
तो जब संभ साधन जैसे असुर का मृत्यु हो गया तो तब सभी मुनि ऋषि ने अंजनी को कहा कि आप केसरी से विवाह करो। तो इस प्रकार केसरी के साथ अंजनी का विवाह हुआ। और विवाह के बाद वो लोग संतान प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत साल उनका कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा किए और बहुत साल उन्होंने तपस्या किया, इसी किष्किंधा क्षेत्र पर तपस्या किया। और फिर भगवान शिव जी उनको कहा कि भगवान शिव जी शिव जी ने कहा कि आप एक विशेष स्थान पर जाओ जहाँ पर एक आम का बहुत बड़ा वृक्ष है, और उस वृक्ष का आम अगर आप खाओगे तो आपको एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। तब वो लोग उधर गए, उधर जाके शिव जी से प्रार्थना किए, तब वहाँ पर वायुदेव प्रकट हुए और वायुदेव ने केसरी और अंजनी को एक विशेष आम फल प्रदान किया। और जब वो आम को खाए तब उनको हनुमान जी को पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार चला गया। इस प्रकार हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। जब हनुमान जी जब गर्भ में आ गए तब बाली को समझ में आ गया कि ये जो अंजनी के गर्भ में जो पुत्र हैं ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत शक्तिशाली है। तो बाली को इनसिक्योरिटी होने लगा, तो बाली ने क्या किया, एक अस्त्र बनाया जो 5 विशेष धातु से बना हुआ है, सोना, चांदी और तामा और ऐसे अलग अलग 5 विशेष धातु से बना हुआ। तो उससे क्या किया, वो अंजनी के गर्भ को क्या कहते छेद करना चाहा, लेकिन क्योंकि हनुमान जी शिव जी के शक्ति हैं, क्योंकि हनुमान जी वायु के शक्ति हैं, केसरी जैसे महान शक्तिशाली बानर की शक्ति हैं, इसलिए हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। और 5 धातु से बना हुआ जो 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 तीर था वो एक कुंडल बन गया। जब हनुमान जी का प्रकट्य हुआ तो हनुमान जी के कान में 2 कुंडल थे जो ये बाली के अस्त्र का रूप था। तो इस प्रकार एक बार हनुमान जी को बहुत भूख लगा था और वहाँ पर अंजनी उनके माता वहाँ पर नहीं थी, तो हनुमान जी को बहुत भूख लगा। हनुमान जी छोटे बालक थे तो उनको आसमान में एक लाल रंग के फल दिखाई दिया। वो फल नहीं था, असल में सूर्य था। तो हनुमान जी इतने भूखे थे, उसको खाने के लिए छलांग लगाया। तो जब खाने के लिए छलांग लगाए तो आसमान में उड़ने लगे और अभी लग रहा है कि सूर्य को पकड़ के खा लेंगे। तब बहुत सारी घटना हुआ, सुनना चाहेंगे तो बाकी घटना हम लोग कल सुनेंगे। हरि बोल। तो कल हम लोग जब अंजनीय पर्वत में चढ़ेंगे
वहां पर हम लोग ये सारे लीला के बारे में श्रवण करेंगे अगले एपिसोड में। हरि बोल, हनुमान जी की जय। तो अभी मैं थोड़ा दो तीन अनाउंसमेंट कर देता हूं, उसके बाद हम लोगों का डांस होगा। तो कल हम लोग बहुत जल्दी निकल जाएंगे, कल सुबह 5 बजे सब लोग इधर आ जाइएगा, ठीक है। आज आप लोग प्रसाद लेकर सब लोग जल्दी जल्दी सो जाइए, आशा करते सबका सोला माला हो गया। किनका किनका नहीं हुआ, जिनका सोला माला कंप्लीट नहीं हुआ फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और आपको जो ये जो बुकलेट दिया गया है, बुकलेट के पीछे एक साधना चार्ट बना हुआ है, कितना नंबर पेज पर, उस साधना चार्ट में डेट लिखा गया है, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, उसमें वो फिलअप करना है आपको, ठीक है। और आप जिस ग्रुप में हैं, जिस क्लास में रहते हैं, जैसे सैटरडे क्लास हो गया या वेडनेसडे क्लास हो गया या गरिया वॉइस होगा या सेक्टर 5 वॉइस होगा, उस क्लास का जो लीडर है उनका दायित्व तो है उसको चेक करना डेली, ठीक है। तो उसको फिलअप करिए, कितना माला जप किया, कितना घंटा लेक्चर सुना, क्या सेवा किया, कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, समझ रहे हैं। इस प्रकार अपना भक्ति का जो मान है आप क्या कहते हैं उसको जाचाई कर सकते हैं, बांग्लाते बोले जाचाई करा, उसके आपके भक्ति का मानदंड है, धाम में आके आपने क्या भक्ति किया उसको आप क्या कहते हैं जज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। धाम में आकर हमें ऐसे ही दिन बीतना नहीं चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। धाम में आकर टाइम पास करके धाम यात्रा करना चाहिए नहीं। ना अच्छे से भक्ति करना चाहिए। तो कल हम लोग 5 से लेकर 6:45 तक इधर हम लोग सब जप करेंगे, शिक्षाष्टकम होगा। 6:05 से लेकर 5:10 में सबका अटेंडेंस लिया जाएगा, और फिर 6:45 से लेकर 7:15 हम लोग मंगल आरती करेंगे। 7:15 सबके लिए ब्रेकफास्ट रहेगा, ठीक है, अर्ली ब्रेकफास्ट। और फिर 8 से 8:30 के बीच में सब लोग बस में चढ़ जाएंगे, 8:30 बजे गाड़ी निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें अंजनी पर्वत में चढ़ना है, तो अंजनी पर्वत लगभग 300 से 400 सीढ़ी ऊपर है, ठीक है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप आधा घंटा से 40 मिनट में चढ़ जाएंगे, ठीक है, और नीचे उतरना आसान है। तो कुछ कुछ भक्त लोगों का जिनका पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, घुटने में प्रॉब्लम है, आप लोग बस में बैठे रहिएगा, ठीक है। हाँ, गाड़ी नहीं जाएगा माता जी। तो समझ में आ रहा है। तो हम लोग अर्ली जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर दिन में बहुत गर्मी रहेगी तो क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, और बहुत खा लेंगे तो क्या होगा, पेट भर के खा लेंगे तो चर नहीं पाएंगे। तो इसलिए कल हम लोग लाइट ब्रेकफास्ट देंगे आप सबके लिए, खिचड़ी रहेगा, टेस्टी खिचड़ी, उसके साथ स्पेशल क्या कहते हैं फ्रूट्स रहेगा, और कुछ क्या कहते हैं चिप्स वगैरह कुछ रहेगा। लाइट ब्रेकफास्ट इधर से एकदम अंजनी पर्वत जाते जाते डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। रेडी है जाने के लिए। ये अंजनी पर्वत इतने सुंदर हैं, जिस पर्वत के ऊपर भगवान, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त जो है हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। हाँ, तो अंजनी पर्वत अंजनी के पुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी का नाम है अंजनेय। अंजनेय, और इस पर्वत के ऊपर हनुमान जी के स्वयंभू मूर्ति है, जो स्वयं प्रकट हुआ है पर्वत के ऊपर। जब लास्ट टाइम मैं आया था एडवांस पार्टी में, मैंने दर्शन किया था स्वयंभू हनुमान जी का,
और उसमें अंजनी जो हनुमान जी के माता हैं उनके मूर्ति भी है, उनके विग्रह हैं, उनके गोदी में हनुमान जी हैं। तो उस समय ये रामानुज संप्रदाय के जो भक्त लोग हैं, रामानुजाचार्य के अनुजाई हैं, रामानुज संप्रदाय के भक्त लोग, वो लोग इस स्थान की देखभाल करते हैं। और इस स्थान में जितने भी तीर्थस्थली हैं, ज़्यादातर जगह में रामानुज संप्रदाय के जो चार संप्रदाय है, क्या क्या, चार वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय जिसमें कौन है, हम लोग हैं, इस कौन के भक्त लोग, ब्रह्म संप्रदाय, फिर श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य कौन है, लक्ष्मण जी के अवतार है। तो इस रामानुजा संप्रदाय प्रामाणिक वैष्णव हैं, और उस वैष्णव भक्त लोग राम जी के जो लीला स्थलिया है दक्षिण भारत में, इस स्थानों का देखभाल करते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी हैं, रामानुज संप्रदाय के भक्त लोग देखभाल करते हैं। रामानुजाचार्य, अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा, कहाँ पर है, हैदराबाद, हैदराबाद में है। ना ना वो अलग है, रामानुजाचार्य के स्टैचू है, बहुत बड़ा स्टैचू, 108 फीट, उसका नाम ही स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो तो कोई जाएगा नहीं इधर से, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ओके, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो रामानुज संप्रदाय के भक्त लोग उस स्थान का देखभाल करते हैं। तो मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मैं उस पुजारी को हनुमान जी का आशीर्वाद कुछ मिल सकता है कि नहीं, मैं उनको रिक्वेस्ट किया था, तब उन्होंने एक हनुमान जी का फ्लैग दिया था। तो वो फ्लैग मैं अंजनेय पर्वत जो है किष्किंधा में, जहाँ पर हनुमान जी का प्रकट हुआ है, वहाँ से कोलकाता लेके आया था। और कोलकाता में हमारा जो वॉइस है गरिया वॉइस के ऊपर वो उधर पिलर में लगा दिया है। इस प्रकार हनुमान जी सभी गरिया वॉइस और गरिया वॉइस के जुड़े हुए सभी भक्त लोगों को आशीर्वाद किया है। और हनुमान जी जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर एक फ्लैग है, वो फ्लैग कौन सा फ्लैग है, हनुमान जी कपित ध्वज। तो हनुमान जी हमेशा उनके फ्लैग में रहते हैं। इस प्रकार हनुमान जी इस अंजनेय पर्वत से कोलकाता आए हैं और सबको कृपा करने के लिए, कृष्ण भावना के प्रचार में सभी विघ्नों को दूर करने के लिए हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी बहुत विशेष व्यक्तित्व हैं। तो कल हम लोग जाएंगे वहाँ पर, और फिर वहाँ पर जाके हम लोग थोड़ा 15-20 मिनट सुनेंगे, और फिर हम लोग नीचे उतर जाएंगे, जो लीला बचा हुआ है उधर बताएंगे, फिर उधर से जाएंगे हम लोग पंपा सरोवर, और पंपा सरोवर में सबरी का गुफा है, और उस गुफा में बैठकर हम लोग उस स्थान की लीला सुनेंगे। हरि बोल। तो ये सारे शेड्यूल जो हैं उसमें दिया गया है। कल शायद लंच शायद उधर होगा, शायद सबरी के गुफा पर, शायद शेड्यूल में उस प्रकार है। अगर सब कुछ